जिन्होंने संत सूरत कोई करत बिहारा तहां से अटल लयारी अद्भुत राधा स्वामी सवारी
सूरत होई अति कर मग नानी पुरुष नामी जाय समानी सूरत होई अति कर मग नानी पुरुष नामी जाय समानी। वचन अठारवा, उपदेश सतगुरु भक्ति का, शब्द पांचवा। गोर का नाम पुकारो सात गोर को हियरे तारो सात गोर का नाम पुकारो सात गोर को हियरे तारो गुरु प्यारी सात संगत जीओ, आज एतवार दा दिन जनवरी दी पहली तारीख समत ईस्वी 1995 दे दिन सब संगतां नूं लख लख वधाई। अज दे दिन परम सत्कार योग श्री हजूर संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज पंजग्राई वालिया ने, जिन्होंने अपने जीवन काल दे विच लखें जीवां नूं पाप सागर तो पार किया दा जन्मदिन। इस प्रति दास वालों सब संगतां नूं लख लख बधाई है। आप जी का उपदेश होरना महापुरशां तरह जेड़े सचखंड तो आके जीवन के उदार लई इस पाव सागर विचों कढ़ के सचखंड ले जांदे ने, उस तरह ही आप जी ने आपके जीवन काल के हजारे जीवन जिन्होंने दर्शन किया, जिन्होंने नाम लिया, जिन्होंने होर सेवा की राह दिखाया सचखंड जाण दा। बड़ी कालना आप करते सन, बचपन तो सतगुरां के चरणों में तरन तारण आए, आखिरी दम तक संगतां दी सेवा च बिताया समां। उन्नति करनी अते कथनी इस कदर विशाल से कि सानी कोई हो नहीं सकता। सारी सारी रात जागदे सतगुरां दे वचन दी पालना करदे, उन्हां दे नज़दीक रहिंदे जिन्ना समां मिलिया उन्हां नूं, उन्हां दे हुकम दी पालना करदे हुए जो दूर भी रहे तप कीता पंज ग्रहीं आके, और एक साल दी घोर तपस्या कीती। जद महाराज ने तरन तारण तो आके पोरे विचों इन्हां नूं कढ़िया अते अपने साथ तरन तारण लैके गए।
पंज ग्रहीं दी सेवा समय बहुत छोटी हैसियत दे मालक होंदे हैं, क्योंकि आप जी बीकानेर तो जद आए सतगुरां दा उत्थे फार्म सी, दो तीन रुपये ही आप दे पास सन, इत्थे आके भुखे भी रहे, मगर सतगुरु दे वचन दी पालना आपने ना छड़ी। इन्हां दी उस घोर तपस्या दे सदके मोगा कोटकपूरा रोड ते जो डेरा इस वक्त सुशोभित है, वो इन्हां दे बाहुबल दा सदके सी। संगतां दे नाल सारी सारी रात कदे थ्रैशर चला रहे हन, कदे खेतां विच हाल वाह रहे ने, कदे सारी सारी रात भजन ते बीत जांदी, कदे खेतां नूं पानी लाउंदे रहिंदे, कदे जदों संगरांद हुंदी डेरे विच या बाहर संगतां नूं जर्मनी, इंग्लैंड, नेपाल, यूपी ते होर थावां ते जा के सत्संग राहीं जीवां नूं प्रेरित कीता कि इस तरह महापुरश इस बिरत मंडल ते आउंदे ने और जीवां नूं अपने नाल सचखंड लैके जांदे ने। राह दर्शाया, बल्कि खुद शीशा बन के दिखाया कि इस तरह कमाई करे दी है। जे कदे लेबर वर्क भाव खेतां विच कम करना पैंदा ते इतना बल सी शरीर दे अंदर के कुंटल दी बोरी तो इस तरह सी जैसे 5-4 किलो वजन हुए, इस तरह मोढ़े ते चुके ला जांदे सन, सारा सारा दिन ढोंदे रहिंदे। सो समा थोड़ा ते उन्हां बारे इन्ना कुछ दस्या नहीं जा सकदा, क्योंकि जिस उद्देश लई ओ आए उस उद्देश ते भी असी कुछ विचार करनी है। खिमा मंगदा मैं थोड़ा कुछ कहंदे हुए स्वामी जी महाराज दी बाणी ते विचार करदे हां, क्योंकि संतां दा जो उद्देश सुरत शब्द मार्ग दा जीवां नूं इस मृत मंडल ते कढ के सचखंड लिजाण दा है, अज दे समें च अज दे स्टूडेंट नूं उस सबक दी लोड़ है। तां ते आओ जिथे असी अपना कीमती समां छड के सतगुरां दे दरबार नूं सुशोभित कर रहे हां, उत्थे यतन राहीं जेड़े स्वामी जी महाराज दे मुगलक वचन कलम बंद ने सार वचन पुस्तक दे अंदर उहदे विचों शब्द लै आप जी की फरमाउंदे ने, सतगुर का नाम पकार सतगुर को हीरे धारो, सतगुर का करो भरोसा फिर करो ना कुछ अफसोसा। सतगुरु उस शख्सियत दा नाम है जिहड़ी सत दे विच ही लीन हुंदी है, अंधेरे नूं दूर करदी जिज्ञासु दे अंतस्करण विचों, सत्संगां राही प्रैक्टिकल को जिहड़े स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस ने उहनां बारे सत्संग दे विच रोशनियां पा के नाम दे के आप बैठना और सब जीवां नूं जिन्हां नूं उपदेश करना उन्हां नूं बैठना सिखाउणा, उन्हां दी अगवानी करनी, इस प्रति महावाक है। क्योंकि महापुरश इस शरीर दे विच हुंदे हुए जितने महापुरश आए उन्होंने कहा कि घर विच सब कुछ बाहर कुछ नहीं, बाहर टोले सो परम पलाही। इहदे विच ही बैठ के असी उस मालक दी प्राप्ति करनी है। उदों उस मार्ग नूं दर्शाउण वाला उह सतगुरु है जिहड़ा उहदे विच लीन हुंदा है, जिहड़ा आप करदा है ते अपने विद्यार्थियों नूं इह ट्रेनिंग दिंदा है कि किस तरह पंछी वांग उडारी मार के असी इस मृत मंडल तों सतगुरु दा बल लै के सचखंड तक पंछी वांग जाणा है। स्वामी जी महाराज दा होर शब्द विच लिखिआ है, सूरत डोर बांध दो गुरसे उडो गगन जिस चंग, जिस तरह पतंग आकाश विच उड़दी है उन्हें कंट्रोल करने वाला बच्चा जो है
पृथ्वी ते है डोर दे जरिए पतंग आकाश में उड़ती है। इस तरह अपनी डोर नूं सतगुरु दे हाथ में दे के उस पतंग वांगू जो आकाश उड़ती है असीं तुरिया मार्ग दे विच उडारी लाउणी और फिर मंजिल दर मंजिल दसवें द्वार होके हुंदे होए सतखंड दे विच जाके विराजमान होना जिथे सतगुरां दे शीश महल ने साडे अंदर ने साडे वास्ते ने उन्हां प्रति पूरी जानकारी दिंदे ने। सो पंचम पातशाह जी महाराज ने भी कहा गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना, गुरु गुरु तू कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर, गुर की टेक रखो दिन रात, जां की कोई ना मेटे दात। इत्थे स्वामी जी कहंदे ने सतगुरु का नाम पकारो, महापुरुष सारे ही अपने अपने अक्षर वखरे वखरे ने लेकिन आइडिया मेन आइडिया इको ही। सो स्वामी जी कहंदे ने सतगुरु का नाम पकारो भाव जिस तरह पंचम पातशाह ने कहा कि हर समय गुरु का ध्यान करना, गुरु नूं अंतस्करण विच रखना, उहदा नाम पुकारना, हर समय उहनूं याद रखना, उहदे सरूप च लीन होना, उहनूं अपने अंतस्करण विच धारण करना। जदों भरोसा कीता फिर कहिंदे ने सतगुर का करो रे भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। जद असीं ध्यान विच पक्के होवांगे तां साडा भरोसा बंधेगा, उस तो बगैर जब तक भरोसा बनता नहीं असीं अगे तरक्की नहीं कर सकते, गिर जावांगे पर चढ़ नहीं सकांगे। 14 मंजिला महल है जिहदे अंदर असीं सचखंड जा के स्वामी पद तक जाना है। हुण एडे उच्चे महल दे अंदर जिहदा रस्ता जानकारी नहीं, 9 दरवाजे बाहर ने 10वां अंदर, उहदे विचों दी होके असीं जाना है। हुण जानकारी जद तक नहीं इस महल दे अंदर वड़िया नहीं जा सकदा, क्योंकि इस महल दे जिस वक्त सिद्धां दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज दा वार्तालाप होया उत्थे भी एक महल दो बारियां शिव शक्ति सुल्तान इस देह दा जिक्र आया कि इस महल दियां दो दरवाजे ने, दो बारियां ने, अखां उहदे दो कन्न ने, दो नासां इक मूंह, इंद्री और गुदा 9 दरवाजे हैं। होर जगह ते गुरु महाराज फरमाउंदे ने 9 दरवाजे प्रगट के ने, 10वां गुप्त रखाया, इक ना गुरु द्वारे लाए पावनी, 10वां द्वार दिखाया। असीं 10वें द्वार च जाना है। हुण उहदा मार्ग पंथ सतगुरु ही दस सकदे, क्योंकि प्रैक्टिकली इस महल नूं विजय उन्होंने किया या उन्होंने शिष्य जड़े जिन्हों के मस्तक ते हाथ रखे उन्होंने उपदेश किया, करनी दसी और नाल अगवानी की। इस अगवानी दे फलस्वरूप संतों का वचन है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सिमरत दिब दृष्टि ही होती। सतगुरों का जो मंत्र है उस प्रति पंचम पातशाह का फरमान है, गुर मंत्र हीनस जो प्राणी तिरक जन्म पृष्ट न कुकरे सूकरे गर्द वे काके धुल खला। जिहदे कोल गुरु मंत्र नहीं कहिंदे उहदी जूनी, कई जूनियां दा जिक्र करदे कां कुत्ता गधा आदि सर्प वगैरह दस के कहा कि उहदा जीवन कुछ नहीं। सो जद असीं महापुरशां दे उहनां सतगुरां दे चरणां विच सतसंग राहीं उहनां दे वचन अंतस्करण विच लिजावांगे तां उत्थे सानूं पक्याई इस गल दी कर रहे ने कि सतगुर का नाम पकारो, सतगुर को हीरे धारो। उस सतगुरु दे स्वरूप नूं हीरे दे विच मस्तक दे विच हीरा इत्थे भी शरीर दे अंदर है, लेकिन संतां दा जिक्र उस हीरे दे बारे है जिहड़ा मस्तक दे विच ही है। सो जिस वक्त सतगुर नाम दिंदा है उस वक्त उहनूं दसदा है कि किस तरह सतगुरु का ध्यान ही ये विच करना है। इस प्रति गुरु ग्रंथ साहब का महावाक्य, अकाल मूरत है साध संतन की,
ठार नहीं की ध्यान को। हुण जिसनू वेख्या नहीं उहदा ध्यान नहीं हो सकता। मन्नी गल कि सारे संत महात्मा हुण तक दे जितने खोजवान होए ने उन्होंने कहा कि वह परिपूर्ण परमात्मा तेरे अंदर है, उन्हें मिले बगैर तेरी गति नहीं। हुण सवाल पैदा होंदा है कि जिन वेख्या नहीं उहदा ध्यान कैसे किया जाए, क्योंकि दूजे पासे यह सवाल है कि मनुख का ध्यान कैसे करे, उहदे च किहड़ा गुण है जिहदी वजह करके मनुख की पूजा करे ते उहदा ध्यान धरे। उस प्रति बेनती है कि साधारण निगाह नाल वेखण नूं मिलदा है कि उस मनुख का और दूजे का कोई अंतर नहीं, मगर जिहड़ी वह गुप्त अख है जिन्हों शिव नेत्र कहते हैं उसके जरिए पता लगता है कि उहदा और साधारण मनुख का बड़ा फर्क है, क्योंकि जिहड़ी गुप्त अख है उहदे नाल जदों वेखदे हैं उस प्रति वह वाक है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सिमरत दिप दृष्टि ही होती। उस महान व्यक्ति का जो सत दे नाल लीन होने वाला जो पुरश है जदों वह मस्तक के हीए के अंदर आए उस वक्त वो ध्यान करने वाले की नज़र आया कि वो नाखन के इतने मणियों के प्रकाश हैं कि मणियाँ शर्मसार हैं। यह हूँ प्रैक्टिकल जीवन है, तद करके गुरु महाराज स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुर का नाम पुकारो, ऐसे महापुरश का नाम पुकारो, उसका ध्यान धरो। किस तरह जिवें उन्होंने कहा भी अकाल मूर्त है साध संतन की ठार नहीं की ध्यान को, जिन्हों वेख्या नहीं उहदा ध्यान नहीं हो सकता। तां ते सरगुण रूप है मालिक ने किसी व्यक्ति की जबान ते बैठ के उस अपने गुप्त भेद नूं प्रगटाया, इस करके उहदी महिमा है। क्योंकि गुरु महाराज कहिंदे बिन पेखे को कैसे ध्यान, जरूरत नहीं सी उस महापुरश का ध्यान करन दी, मगर जिन्हों वेख्या नहीं मालिक नूं वेख्या नहीं कदे पहला उहदा ध्यान की करेगा। इत्थे परपक्ता है कि उहदा ध्यान कीते बगैर तेरा गल बननी नहीं, क्योंकि अगवानी देने वाला भी तो कोई चाहिदा अंदर, मास्टर बगैर कोई तालीम मिलती नहीं। अगर निक्की जी पढ़ाई उड़ा अड़ाई ला लो उहदे वास्ते टीचर उस्ताद की लोड़ है, तो एडी रूहानी मंजिल जिहदा पता ही नहीं, जिथे सौ चखड़ चकोले पैन की संभावना है, उस रस्ते नूं कैसे पार किया जाए। तां ते उस अगवानी देन वाले सतगुरु दा कहंदे ने ध्यान करो। उस प्रति पंचम पातशाह ने कहा गुरु गुरु तू कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर, गुरु की टेक रखो दिन रात जाके कोई न मेटे दात। महापुरशां दा वो जिहड़ा यूनिवर्सल लैसन है वो एक ही है कि जिन वेख्या नहीं उहदे ध्यान करन लई संभव नहीं कि उहदा किस शकल का ध्यान करके इत्थे लियाईए। तां ते उस महापुरश दे ध्यान दे जरिए ही असी इस स्थान ते चढ़ पावांगे, एवें चढ़ नहीं सकते। हजारां ही योगी लोकां ने मन दे जरिए कोशिशां कीतियां, क्योंकि जद वराग में ही मन हुंदा है ध्यान आउंदा है, ग्रंथ पढ़दे हां महापुरशां तों कुछ पता लगदा है कि तेरे अंदर है तेरा मालिक तेरे अंदर, फिर विरागमयी मन होया कि वह जिहड़ा मेरे अंदर ही है उहदी खोज करिए। जंगलों पहाड़ों च घर बैठ के इधर उधर पटक के जदों कोशिश की अंदर नेरा ही मिलिया, अखां बंद करदे अंदर नेरा कोई पता नहीं लगता। इस अंधेरे महल दे विच रोशनी कित्थों आएगी है, उस रोशनी बगैर तुरंगे किधर नूं, जब रस्ता ही नहीं दिस रहा तो जावांगे किस मंजिल ते। तां ते सत्संग विच ओह महापुरश ये अगवानी दिंदे ने तेरा मालिक जो तेरे अंदर है वो दो किस्म दियां शक्तियां ने उहदे अंदर, वो शब्द रूप है। गुरु महाराज ने तो यह भी कहा रूप न रेख न रंग कुछ त्रै गुण ते प्रभिन्न, उहदा रूप रेख रंग भी कोई नहीं, लेकिन उहदियां स्टेजेस हन। हुण पावर हाउस का अगर कोई कहो भी दस वर्णन करके जिथों बिजली पैदा होंगी उहदा कैसा स्वरूप,
बाहर तो वेख लिया क्या पावर हाउस चलता है बिजली के जरिए या तेल के जरिए इंजन चलिया उन्हें मैगनेट चार्ज किया बिजली बनी फिर वो जरिए बत्तियां जागी मगर आ जोड़ा पावर हाउस जिद को जाना है तो पता ही नहीं लग रहा वो साइंटिस्ट वो महापुरुष जिधर इतने आप सन अगवानी दे रहे हैं उधर स्वरूप भी लौट पाएगी उन्हें पहचाना गे जब अंदर एडे धुंध का रास्ते पे चलने पता ही नहीं है जब तक को जानकार दस दिन अगर असने अमृतसर गए हुए बंदे ने नाल ले लिए तो आसानी नाल ही वो दस दिन घर का पतन पार के आए टप जी तो गां तो रेलवे लाइन मिल जाएगी तो स्टेशन पर चढ़ के अमृतसर चले जाए झट ही वो नाल फटाफट ले जाएगा इस मोड़ गली मरले पै के अल भी आ गया हरिमंदर देख ला इसी तरह ही वो जानकार जिहड़े रोज रोज के अभ्यासी ने वो ट्रेनिंग देंदे ने वो सब माइलस्टोन दसदे ने कि यह रस्ता यूनीवर्सल है ये तो चढ़ के भी अगे इतने महापुरुष गए ने उन्होंने बाणियां पढ़ के देख ला तेन 100% प्रूफ मिलेगा उस रस्ते दे यूनीवर्सल ट्रैक के उत्ते चढ़ के तू अगे जाना है। हुण बचन तो उन्होंने सुन लिया हुण जब तक वचन ते भरोसा नहीं बनता उतनी देर तक मन वाइब्रेट करके उस रस्ते तो भटका देगा। असी सुनी गल तो अंदर मानेगा क्योंकि अंदर नेरा ही अजे इन्नी देर लिए तो हरिमंदर नहीं है पहले अंधेरा है चुप है अंधेरे विच चुप है और चुप तो बाद महापुरुष कहता है देर इज वॉइस आफ्टर साइलेंस देर इज वॉइस शब्द है इस चुप तो बाद की है उत्थे कोई आवाज पैदा हो रही उत्थे प्रकाश भी है मगर इमीजिएटली तो प्रकाश भी दिसदा नहीं। सो उस शब्द दियां दो फैकल्टीज के एक तन है एक उहदा प्रकाश है फिर सुरत और निरत कहने असीं साडी सुरत दियां दो शक्तियां शब्द दे विच ने सुरत जो है उस शब्द नूं पकड़दी है क्योंकि उहदे च सुरन दी शक्ति है एक नंबर दो उहदे च निरत है जिहड़ी वो प्रकाश नूं वेखण वाली शक्ति है प्रकाश प्रकाश नूं वेख के ही उस जिहड़ी निरत साडे च शक्ति है उस प्रकाश नूं वेख सकदी है ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਆਸਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ है साध संतन की ठहर नहीं की ध्यान को तेरा ध्यान टिकाने वास्ते वो महापुरुष का जो वचन है तेरे लिए चानन मुनारे का काम करेगा वो वचन नहीं फड़ना। फिर कहते हैं कि वचन कला पकड़ के कम च इधर पा के उधर नहीं कड़ना वह भरोसा करना क्योंकि तेन अजे जब भरोसा नहीं करेंगे तो कहेगा ऐ नहीं गप मारता भरोसा किते तो बगैर जो साइंटिस्ट पहले तजर्बा करते हैं फार्मूला लिख के रख जाते हैं कि आ दो गैसा कट्ठिया कर लो पानी हो जाएगा हूँ तो भरोसा ही नहीं होएगा तो लैबोरेटरी चले जाने नहीं पानी बनेगा नहीं गैस ही नहीं प्राप्त कर पाएगा दो चीजा कट्ठिया होनगियां तो तीजी ने बनना। इसी तरह सुरत और निरत नी इकट्ठी होकर उस मैगनेट के रूप जो शब्द साढ़े मस्तक के आ रहा वो जुड़ना उस थ्योरी में जो फॉर्मूले भरोसा करेंगे तो अगवानी मिलेगी फिर उत्थे सतगुर का नूरी स्वरूप आएगा जिस स्वरूप पर कहते हैं कि इन प्रकाश नहीं स्वरूप है कि उत्थे नवे संसार ने हम रोशनी का एक मनारा है बन के काम करेगा। होर ग्रंथ दसते हैं कि सतगुरों के अंदर चलन नाल जिहड़ी तोड़ उड़दी है वह प्रकाश बन जाती है वह रोशनी करती है। हुण जिहड़े जगासू अंदर जुड़दे ने रोज सतगुर दा वचन मन के उत्थे खलोंदे ने तमन नाल खड़दे ने बैठदे ने कुछ चिर इंतजार कर लैंदे जदों आउंदा रोशनी देख लैंदे ने दृढ़ होना है। तां ते अज दे दिन ते जिदे ते महापुरशां ने जिन्हों का स्वरूप आप दे सामने जो उन्हों का इस मंजिल बारे उपदेश है उन्हें पकड़ के जिन्हों गुरमुखां नाम की बख्शिश हो चुकी है
उन्होंने इशारा मिल चुका है। वो अपने सतगुरु के सुपरूप में इतने मस्तक के बैठ के उन्होंने जाके प्राप्ति करनी और उस धुन में सुनना है। होर शब्द विच जिक्र आंदा है, धुन सुन कर मन समझाई, लग शब्द अनाहत जाई। मन में आदत है रस लैन दी। इस दुनिया च बड़े बड़े रस ने, वो इन्हां रसां नूं छड़दा नहीं। सो उन्हें विजय करने वास्ते उस तो होर शक्तिशाली कोई रस जोड़ा साढ़े शरीर के अंदर प्राप्त हो सकता है। वो जरिए असी उन्होंने अपने कहे लगा के उपर चढ़ पावे, नहीं तो जावाने। अगे स्वामी जी महाराज एक्सप्लेन करते नहीं इस सुरत शब्द मार्ग में। सो जरा अगलिया कड़ियाँ जो ने समा पहले ही भजया जा रहा है, जरा अपनी तवज्जो एकाग्र रखना और बाणी में जुड़ते रहना जी। सत गुर का करो परोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। कहते ने जदों सतगुरु का भरोसा कर लिया फिर कोई अफसोस करने की गुंजाइश नहीं। कोई अफसोस नहीं करना कि असं एवं भरोसा कर लिया, पता नहीं साडा वक्त ही जाया ना हो, क्योंकि वो महापुरश वचन के सुर में होंगे ने। उन्हों का जीवन की होंगे, मन वचन कर्म तिने एको वक्त काम करते हैं। जो उन्होंने मन च उस जबान पर जो जबान पर उन्होंने रहनी, इस करके जो कुछ उन्होंने किया अपने जीवन का तजर्बा लिखे बचन मन के अंदर जोड़ा है जबान पर आया, जबान पर जो चीज़ आई उन्होंने करने की उस करने बाद भरोसा करके से अगर चल पाना। कहते फिर कोई अफसोस नहीं करना क्योंकि रिजल्ट 100% तुहाडे सामने आएगा, क्योंकि उन्होंने गलत गल कही नहीं, क्योंकि वचन मन वचन कर्म उन्होंने एक। इस करके वी हैव टू डिपेंड ऑन इट, सानू उहदे ते विश्वास करना पएगा। पर मैनू अफसोस है किसी किसी वेले जबान ते अंग्रेजी का अक्षर निकल जाता तो लिखे मैं करना, मैं वैसे झट ही पता लग जाता मैं कि इत्थे पंजाबी की लोड़ है, मैं झट ही कर दिना, पर जरा मैं खिमा करना किसी वक्त इंग्लिश ते अक्षर ते। सो जिस वक्त असी भरोसा करांगे उस वक्त कहते फिर करो ना कुछ अफसोस है जी। सत गुर तो हे शेन शेन पोसे, हंगता तेरी सब बेद खोसे। कहते नहीं वो छिन छिन तेरे ना प्रेम कर देने पुचकार दे नहीं, जो जननी सुत पालती राखे नदर मजार, अंदर बाहर ग्रास दे छिन छिन पोचार। बच्चे माँ का ध्यान जिस तरह आनंदा है ये भी कहते नहीं वो सतगुरु छिन छिन तेन पोसद पालद प्रेम तेरे न करता है। इस करके तेन भरोसा कर, फिक्र न कर, तू तेरी जिहड़ी हंगता हंकार है दूर पावा, तेरा हथ सब नाश करने लिए दृढ़ नहीं हो। स्वामी जी महाराज ने होर शब्द बयान किया कि जे करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं तौर दरबारा। वो आए इस मृत मंडल तो उन्होंने कार्यवाही नहीं सी, तेनों लैन ही आए ने, क्योंकि तू जन्म जन्म ते इत्थे फसा है, तेरे बस का रोग नहीं कि तू मन ओवरपावर कर सके। उन्होंने शब्द द्वारा उन्होंने महापुरुषों की मदद नाल ही तू सफर ते चल सकदा, वरना तू अगे जन्म जन्म का इत्थे भटकया हूँ भी नहीं तू जा सकदा। तेरे लिए होर एक नवा सर्कल तैयार है जी। तू कर उन चरणन होशे, सत गुर से मत कर रोसे। भाई तेन अभी सुनी सुनाई गल तू तेरे कान च कोई पा दिंदा है कि
ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਗਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੋਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਜਰਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤ ਗੁਰ ਗਤ ਆਪ ਸੁਨ ਮੋਸੇ ਕਹੀ ਜਾਤ ਨਰੰਚਕ ਮੂਸੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ, ਮਗਰ ਮੈਥੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਗਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਲੱਖ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ, ਓੜ ਕੋੜ ਕਪਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣਕ ਬਾਤ, ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਮੋਸੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੇਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਦੀ ਡਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਈ ਪੁੱਤਰੀ ਲੂਣ ਕੀ ਥਾਂ ਸਿੰਧ ਕੀ ਲੈਣ, ਅਨਾਥ ਆਪ ਸਾਗਰ ਭਈ ਅਬ ਪਤਾ ਬਤਾਵੇ ਕੌਣ। ਲੂਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਡਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਕੌਣ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ ਮੇ ਔਰ ਸੰਤ ਮੇ ਬੜਾ ਅੰਤਰਾ ਜਾਨ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਆਪ ਸਮਾਨ। ਪਾਰਸ ਵੱਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਛੁਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮਗਰ ਸੰਤ ਦੀ ਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਰਸ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਜਿਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਗਤੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ, ਸੋਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੇ
ये करने का पेत है नहीं बुद्ध विचार, इत मन बुद्धि का फीता लगता नहीं की किता जाए। असी छोटे जी बुद्धि नहीं सुने दे आम मिसाले के अपनी मत अपनी अकल तो बगानी ना सबन वड्डी नजर आती। हर एक बंदे दे अंदर ये इंस्टिंक्ट रखते ता मालिक ने कि जने मैं सियाणा उहनू तां अकल ही नहीं कोई, मेरे जा कोई सियाणा नहीं। ते किसे कोले पावे रोटी पानी जो कोई साधन होवे आदे ये बड़ा वड्डा तनाल है, बगानी मैं सबन वड्डी नजर आती। सो इस तरह ही गुरु महाराज ने कहा गुर की मत तू ले आने पंत बिना डूबे बस जाने, इतनी मत लेनी पाएगी उस महापुरुष की क्योंकि वह अपना तजर्बा बयान करता है, वह अपना कोई इंट्रस्ट नहीं साढ़े वास्ते कालना कर रहा है। ये मन मूत्र की देह पहन के इन्ना दुख सहार रहा है, गर्मी सर्दी चलता है, परसों बेनीफिट तो कोई नहीं, सिर्फ सानू वह अगवानी देने दुखी होकर भी कहना है कि तू आ मित्रा आ सज्जना उस रस्ते की खबर सुन, मैं तेरे नाल तुरदा, मेरी दिलचस्पी कोई नहीं, मैं उत्थे जाना तेनों ताकि तकलीफ ना, मैं तेरा साथ जरूर दे सकता जी। दस में खेंचे नौ से फिर एक करें तो है दो से, फिर जेड़ा चौदह मंजिला महल है ये नौ दरवाजे जिक्र किया है। ब्रॉडली पिंड अंड ब्रह्मंड सचखंड चार सिंह हिस्से ने, मगर चलो पिंड ते ब्रह्मंड कह लो, इतों नीचे नीचे पिंड है उदो उपर ब्रह्मंड आ गए। ये नौ दरवाजे ने, नवे दरवाजे उत्ते असी साडी सुरत रोज भटक दिए, साडी सुरत रोज भटक दिए, कहते दसवीं में खंचे नौ से नवे दरवाजे तो पच्ची फिर सुरत खिंच गए दसवें दरवाजे तेन ले जा सकते हो। हम बगैर पैसे दे बगैर फीस दे इन्नी हाइट ते अगर चढ़ाता हो तो तेरे बेनीफिट लिए तेरे फायदे लिए कर रहे, उन्हें तो कोई कमीशन नहीं उहदे च, उन्हें इन्नी संतुष्टि है कि मालिक दे दरगाह तो पटकिया हुई रूह ने काल परमा परमा के जम उन्होंने मार मार के दुर्दशा करता है, उन्होंने रहम खा के ही कहता आ जा उस रस्ते निकल जा, नहीं उत्थे पुलिस वाले ने तेरा चलान कर देने, जम पुलिस ही है ना तेरा चलान कर देने, तेन अंदर ला जाने तेन उत्थे तुरन नहीं देना, तू आ ला ला आ मेरी एडवाइस ला ला तू तुर, तेन कोई खतरा नहीं, तू अपने घर चला जाएगा जोड़ा दसवें दा तेरे अंदर ही तेरे वास्ते उठ चला जा, तेन खिंच के नवे दरवाजे ते पटकती हो रही तेन दसवें चला जाने जी। शब्द रस तो हे पिलावे जाम पोर से फेर बचावे, भाई शब्द रस जिस प्रति गुरु महाराज ने कहा उस शब्द ने सब सृष्टि सब जिया जंत आकाश पताल साज साज दते, शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द पया प्रकाश सकली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द कटे कटाछे, उस शब्द दे मन में इतनी है कि उन्हें सब कुछ बनाता और फिर अडोल खड़ा है सब लैके खड़ा है। कहते उस शब्द द्वारा जिस प्रति मैं बेनती की तो उस शब्द दिया दो क्वालिटी दो फैकल्टीज ने, एक वो लाइट है एक साउंड है, आवाज और प्रकाश दो चीजा का मिश्रण है। कहते वह रस जो मस्तक के बीच आ रहा है उत्थे इन्नी मिठी सलेशियल म्यूजिक उन्हें कह सकते हो, बांगे आसमानी कह लो इसमें आजम कह लो जो नाम वो बड़े नाम ने जो जग्यासु महापुरुष अंदर गए उन्होंने
सुनिया और तेरे लिए दस दिता कि मस्तक दे विच बड़ी सुरेली आवाज है, उन्होंने जाके तू सुनेगा तू आनंदमय हो जाएगा। कहिंदे उहदा रस जिहड़ा तेरे मस्तक हर समय बस रहा तेनू पलावेंगे पलावेंगे, फिर तेनू मस्ती आ जाएगी, तू समाधि के जरिए अपने मालिक के देश जा सकेगी। घट घट अगम कर अगम तुहे दर्शन, अगम केड़ा सचखंड तो उपर अलख अगम सचखंड तो जिहड़ा पंजवीं मंजिल है संत मत की, उस तो भी दो दूसरी मंजिल हो रहा है, उस तो अगर तीन मंजिल ने जिदे अनामी पद कहते हैं स्वामी पदवी गुरु महाराज ने कह राम राय पदवी कह कहते रस्ता उस स्थान का शीश महल के अंदर जिन्नी स्टेज तेन दिखा देंगे उस शब्द के रस के जरिए तेरी सुरत में खिंच के उस अवस्था तक पहुँचा देंगे जी। कर आगम तो हे दर सावे मार्ग शब्द तो हे लखावे। वही कहंदे वो आगम दे रस्ते ते तुरन वास्ते शब्द दा रस्ते नूं पिओंगे, पर फिर वो जोड़ा यूनिवर्सल ट्रैक दे तू तुरेंगे उतों के आनंदमई स्टेज देख दे माण दे हुए तू अपने घर चलेगा चला जाएगा उस अगम के घर विच पहुंचेगा जी। जो संगत उनकी करते सो जाग से कभी न डरते। कहने भी जे तू उन्हें दी संगत करता ते ऐनी ताने मेने मुफ्त दिया दे जरिए उथे सत्संग ते जान दा अड़का जिहड़ा बन के बैठे नहीं फिर तेनू दा पै न रहा, क्योंकि तू इस काबिल हो जाना सी कि उथे ता सच दी वर्षा है, कोई प्रॉपर्टी ना नहीं ला रहा साढ़े वास्ते कह रहे, फिर तेन जी मुफ्त की रुकावट पै रही थी ना वह तेन पै उतर जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर सच की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, तू प्रैक्टिकल जीवन के चला जाएगा, सुनी सुनाई गल ते तेन असर नहीं करने की जरूरत पैगी जी। जो बेमुख गुर से फेरते सागर में गिरते। एनालाइज कर देने दो ही स्टेजेस ने, एक मनमुख है एक गुरमुख। गुरबाणी जिस प्रति बड़ी मैंने गा के दसी कि मनमुख कौन ते गुरमुख कौन, गुरमुख कौन है जिहड़ा गुरु नूं मुख रखता है, मनमुख कौन है जिहड़ा मन नूं मुख रखता है, इन्हां दोनों दे विचकारली स्टेज है सनमुख। मनमुख तो सनमुख होंदा है, गुरमुख उस व्यक्ति नूं अपने वल नूं खिंचदा है, उहनूं इह नॉलेज दिंदा है कि उस शब्द दे रस वास्ते तू उस मालिक दी दरगाह तक जाण लई इह रस्ता अडाप्ट करेंगे, फिर उह सनमुख हो जांदा है, गुरमुख दे सनमुख आउंदा। मनमुखता दी अवस्था बदल गई। कहिंदे जे तू उहदा वचन मन्नेगा तू गुरमुख हो जाएंगे, क्योंकि गुरमुख है, गुरमुख पहले सनमुख करता है नाम दे के फिर गुरमुख बन जाता है, क्योंकि संत संत बनाता है। तां ते बड़े उच्ची मामा स्वामी जी गा के दसदे ने तेरे परसनल बेनीफिट वास्ते वह अपना खून पसीना दिन रात गर्मी सर्दी सार के भी कहते आ जा तेरे परसनल बेनीफिट की गल है, उस रस्ते तो तू तो अपनी अखा नाल देख जी। चौरासी चकर खावे फिर जन्म जन्म दुख पावे। ठीक है, चौरासी के चक्कर च जब तू पाएगा फिर जन्म जन्म दुखी होएगा। गुरु महाराज कहते हैं कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, क
कई जन्म तंखी सर्प होयो, कई जन्म हेवर बिलख जोयो, चिरंकाल ए देश जरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बढ़िया। मनुष्य का जन्म तेन मिले हूं गोबिंद मिलन का रस्ता है। तांते अगर तू उन्होंने वचन नहीं मानेगा, अपने अंदर उस राह की खोज नहीं करेगा, तू गिर जाएगा, फिर तेन 84 के चक्कर जाना पड़ेगा, फिर जन्म जन्म दुख पे कद सूर कुत्ता गदा आदि बनना पाएगा, क्योंकि जैसी तेरी वासना होगी वैसा तेन बनना पाएगा। कोई महात्मा है तो कोई तपा है, तप कर रहा है बैठो दे कोल दी लंगे, उन्हें कहना है अरे तपे काहे को खपे, अंत मते के गते, जिहो जी तेरी वासना हेरले समय रहेगी तू हो जा बन जाना। कल सड़ सड़ मरदा मन की वासना खत्म कर और अपने मालिक दे देश चल। तां ते साडे बेनीफिट लई याद आ गया, छोटी जी एग्जाम्पल है हसन वाले भी है, मगर इस गल में टुक दिए कह देना, कोई महात्मा कश्मीर घाटी चला गया, उत्थे तुहानू पता है कश्मीरी हाथों ने जिहड़े पार टोंदे ने, पार उत्थे सिर ते चुक के टोया नहीं जांदा क्योंकि तहां नूं चढ़ना कुबा हो जांदा, उह पिठ ते आसानी नाल पार चुकिया जा सकदा। हुण गठा है क्विंटल दा, उहने पिठ ते चुकिया, गर्मी दा महीना सी, जोर लग्गिया, जोर नाल छा चढ़ गया, पसीने पसीने हो गया, देखिया हुण शक्ति नहीं ते इहनूं रख दे इत्थे रख के, ते फिर जदों साह लै लिया उहदे चुक के अगे चलण लई महात्मा कोल दी लंघे, वह हाथों धुप है गठा उत्थे रखा उहदे उत्ते बैठे, कोल दरख्त है गठा उहदी निगाची दरख्त तो बाली दूर नहीं, वह महात्मा नूं कहिंदा है भैया देखो वो दरख्त है पास ही तो है, गठा तेरे पास ही, वहां आ जा साए में तो आ जा, थोड़ा आराम करके फिर उठा लेना। तो महात्मा नूं कहिंदा है लिया पैसे फिर मैं छानी चलना, महात्मा कहिंदा है साडी ये गति है, महात्मा कहिंदा तू छानी आ जा तुप्पे कन मरदा है तू फिर चक ली अतरे कोल ही है मुफ्त चल रही है छां, तू पैसे नहीं लगते या तो लिया पैसे मैं उठ बह जा। तांते साडी ये दशा है, उन्हें रहम आंदा है कि दा बड़ा मंदा हाल है, इन्हें कुछ दस देने गल, मगर यह कहना लिया पैसे ये मैंने परसनल बेनीफिट बस मेरे ना कि जमीन लगा, मैं तो तेरे कहे नहीं लगता, कद नहीं तेरे कहे लगे, तू अपने मंत्रा के कोल रख मैं जरूरत नहीं है। सो साड़ी ये दशा है जी, तुम सोचो अपने मन जाग में, सजरा जरा ठंडे दिमाग ना इस गल ते विचार तक कर, उहदी वर्गत भी है जिहड़ा अपने खून साड़ के तेरे लई यतन तन कर, खोज करके देख ना, सोच जरा ठंडे दिमाग ना, काले पैन दी कोई गल नहीं, जरा बैठ अंदर बैठ के शाम नूं जिस जिहड़े कोई काम कीते उहनां दी रिकनसीलिएशन कर, ठंडे दिमाग ना सोच भी उहने जिहड़ी गल कही सी मेरे फायदे दी सी, उहदे च उहनूं कमीशन मिलदा सी नहीं, उहदे वर्गा कोई नहीं, तेरे बेनीफिट वास्ते तैनूं कहिंदा है मगर तू एक्सैप्ट नहीं करदा, बड़े अफसोस जी। जिन गुरु पग तारी सो कहिंदे बई सजना जिन्हां ने गुरु भगती तारी धारण कीती उस रास्ते ते तुरे, वो निज दरबार सचखंड जड़ा है जितना सी साड़ी सुरत उतर के आए, वो कहंदे उत्थे पहुंच गए, तू इत्थे बैठा है क्योंकि तू वचन मानदा ही नहीं जी। काका जरा फिर तुर के गुरु भगत ना जिन को प्यारी तेन जीती बाजी हारी। भई जड़े कोई कर्म लिखा के लिया से भुगते श्वास पूरे हो गए, कदे उन्हें जीती मनुष्य जन्म च आया सी, उन्होंने जीती हुई बाजी जिस दे विच आ के इन्हें मालक दे दरगाह च चले जाना सी,
क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज द टेंपल ऑफ लिविंग गॉड, वो जिंदा खुदा का घर है शरीर, ये ही मिलता जोड़ा भी मिले ये मिले। जब असी करनी के जरिए असी उस बचन मनिया नहीं, चंगे माड़े कर्म दारू पीती, आनंद किते, मास मिट्टी खादा, कहते तेरी जीती बाजी हारी, तू जाने तो पारसी, तू सचखंड चले जाना, तेरा आकाश मार्ग के रस्ता बनना सी, मगर तू गधे वाली जिंदगी दे विच पै के आ जड़ा अपना इतनी उत्तम तेरी जवानी सी जिदे जरिए सचखंड तू महात्मा बन के जाना सी, तू अगवा ली जीती हुई बाजी तू हारती। क्योंकि इस संसार का प्रिंसिपल है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक संघासन चढ़ चले एक बांधे जाए जजीर, एक यम रस्या न बन के ला जा जी। गोर चरणन आशक गुरु के चरणों ते आशक होना प्रेम, ये मुंह तो कही नहीं जानते जी। गोर लागे जी से आत प्यारे तेन कोल कुटंब सब तारे। गुरबाणी पढ़ के देख लो, कहते जिन्होंने अपने गुरु नाल इश्क किया प्रेम किया उदिया एक ही कुलां तल तर जांदिया ने। जिथे प्रहलाद का जिक्र आता उत्थे पढ़ के लो देख लो, गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिया हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया राम राजे, उन्हूं दुश्मनी करन वाला भी पार गया उहदे नाल क्योंकि उहदे कुल च है। कहिंदे उन्होंने अपने कुल कुटुंब सब तार ले, अगर एक कुल च एक भगत पैदा हो गए तो कुल नूं भगती दी भी जरूरत नहीं पैंदी। सो ऐसा बने तां सही, कोई तां बन जाए अपने लिए ही बने। चलो मनी गल कि कुल नहीं छड़ो, अपना अपने करो, अपने लिए करो, किसी की काश आस कर दिए। मगर वो कहते नहीं जिन्हें ये गुर भगती धारण कर ली तेन कुल कटंब सब तारे तो सब तर जाते हैं। सामने प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहब न पढ़ के देख लो जी कि प्रहलाद दी एक ही कुलां तरिया ने भगती कीतियां ने। निका जैसी वो हरनाक्ष का जिथे राज सी उस जगह तो कहना कि हरनाक्ष जपो, क्योंकि उन्हें कुछ तप करके वरदान ला ले कि मैं दिने मरन रात में मरन अंदर मरन बार मरन, कई किस्म के वरदान ला ले। हुण वो कहना है रब कड़ा है हरनाक्ष ही हरनाक्ष है, उदी रैयत सारे नूं कहना सी हरनाक्ष जपो। हुण निका जिहा बालक घर ही जम पिया, वो आदा है वो हम संडा मरका उहदा गुरु सी उस्ताद कह लो, वो उहनूं कहिंदा हरनाक्ष लिख, उहदा नां मेरी पटिया लिख दे श्री गोपाल। गुरु ग्रंथ साहिब च बाणी चढ़ी हुई है मेरी पटिया लिख दे श्री गोपाल, होर तो कुछ है नहीं मेरी पट्टी ते श्री गोपाल लिख। बड़े तसीहे दित्ते पहाड़ी तो गराया, थमना नूं लगाया, कटारी कढ ली, कोठड़ी च बंद कर दिता गया, मगर फिर भी एडे तसीहे मिले आप तरे, उन्होंने कुल कटंब भी तारी, एक ही कुलां भी नाल लै गया। ये भगती दा रिजल्ट है, भगती छोटी चीज नहीं। सो असी अपनी आत्मा नूं ही सुख देने वास्ते ये यतन करना है जी। तन मात पितायोन जान के जेन भगत करी कोल ताज के। इन्होंने माता पिता तन ने जिन्होंने ऐसा भगत पैदा किया, क्योंकि ऐसे फिर लेने उहदा माता पिता भी तर गया। अगर असी माड़े कर्म लग जाने कारण स्वाभाविक ही है सानू संसारी आंढी गुआंढी शहर दे महल्ले दे ये कहते ने वेखो या कि ऊत निकलिया इन्हों का कुल बर्बाद करती।
लोगों की मलामत ताने मैंने चले कदे परमानेंट डायलिसिस वाला जो कर्म है परमात्मा कदे तौर कर दी उन्हें प्रॉपर्टी जवाब मिली और वो ठंडा भारत बनाने शीश मैला ग्रहण चावल जी जो कोल लाज जगत से डारे गौर पागती से वैपन गीरे एक बड़ा नामी वाली गल है मालिक का नाम जपना है अगर किसी के तन मना ना लाए फिर राधा सुनने देना कहते उन्होंने अपना आप बर्बाद कर लिया कि खतरना क्योंकि निंदा को और पापे वज्रपात लिखे है गुरु महाराज जी रवि नामा जो है रत नामा जो पढ़ के देख लो सब तो बड़ा पाप निंदा है वज्रपात है माखली बड़ा कहते उन्हें सब कुछ बर्बाद कर लिया निंदा ही करता रहे खतरे कख ना खोता बनू जन करनी दो है जन से धन से करनी है किससे भी प्राप्त करेगा जब और किया तो मैं धर्म बनाया तो ही रहना है तब जो मरू जो किया किसी ने वो मरना है आज जाए किस दो में करना है गुरु ग्रंथ साहब ने बहन मेरा छोड़ना है मरना है अगर ये हस करके आ गई तो वो बने मेला को खड़ी चले मरना है हर नहीं तो बदले बनाएंगे साडे परिवार ग्रहण के कारण नाल साफ करा कर समझे जोड़े उन चार पद नहीं छड़े उन्हें नाल भी साफ करनी रन छोड़े पायर कह लाए पति फिर पंगी कर जाए सिंहाया अपना पान नहीं त्यागे जाने पतंगा ज्योतिया चलता तीन जास लगी है मैं सामने नाले टेबल चाहिए चलता नहीं तो बस हर दे फिर शांति बनी पाएंगे हिंद प्राण गोबिंदा मगर शांति अगर डर से है उधर जाएगा प्यास का नारा है प्राण गोबेगा अपने तन नहीं त्याग अभी मछली को जैसे जल तारा गुरमुख को सात गोर रस प्यारा तो 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 कि तन के बगैर मर जाएगा प्राण दे देगा इसी तरह मेरा समस्या जो है तो ज्योति में किसी को देख लगा मेरे को नहीं आता ये सोच लगता मैं तो कुछ छड़ा तो मैं कुछ लगा मछली को देश से जल तारा मछली पानी में तारती रहेगी अगर मैं कुछ ला रख दूंगी पानी दे देगी पानी के बगैर गंगा नहीं रह सकती पानी दे देगी किसी आटर मंटर तार के देश में लिक्विड नहीं होगी पानी लिक्विड है किसी लिक्विड दुध है दुध तारती रहेगी अगर हम चुप से बाहर रख देंगे प्राण दे देगी पानी तो बगैर जिंदा नहीं रह सकती प्राण दे देगी तुम अल्टरनेटिव करके देख लो लिक्विड ही होगी पानी लिक्विड है तुसी लिक्विड दुध है दुध मछली में पा दो फिर भी प्राण दे देगी नाले दुध की अंश है पानी की अंश है दुध मगर पानी बगैर जिंदा नहीं रहेगी इसी तरह ही जिम्मे आ चीजा कर लेनी देखो कितनी छोटी लेवल की गल है इस तरह जो गुरमुख है
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਪਏ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਜੀ ਜਿਨ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰ ਕੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਉਹ ਐਸੀ ਬਿਰਲੀ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੀ ਬਣਾਏ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਜਗਾਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦਿਆਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਠ, ਇਸ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਵਾਸ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛਲੀ ਪਪੀਹਾ ਆਦਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੀਵਨ ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਓ ਆਪਣਾ, ਚੱਲ ਤਿਓ ਰਾਖਿਓ ਜੀਤ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜ ਕੇ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਚੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡਦੇ, ਬੱਛਾ ਘਰ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰੱਖੋ ਰਹੋ ਹੱਥ ਪੈਰ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਕ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਮਗਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਚ ਰੱਖ। ਜੀ ਬਚਨ 19ਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਾ ਸ਼ਬਦ 6ਵਾਂ। ਜੀ ਸੂਰਤ ਸੁਨ ਬਾਤਰੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਨੀ ਬਸੇ ਆਕਾਸ਼। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੁਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਬਾਤਰੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਨੀ ਬਸੇ ਆਕਾਸ਼। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਧਨੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਤੋਂ ਮਲ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਮਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਧਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾ ਜੋ ਸੰਗ ਜਾਰੀ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਪਿਆ ਪਰ ਕਾਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਤਨਾ ਹਰ ਬਨਾਸ਼ਿਓ, ਪੰਚ ਪੰਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਤੇ ਦੇਖ ਪਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਚਮਕਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਰੀ, ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਅਜਰ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕਦਮ ਧਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਦੇਸ਼ ਅਗਮ ਜਾਲਖ ਅਗਮ ਅਜਰ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੇ
गाहो शरण कोए सादरी, जो मिले शब्द कर बास। कहंदे शरण किदी लै, किस साध दी शरण लै, तक तेनू तेरे घर दा पता दस्यो। जिहड़ा आप तुरदा तेनू कहंदा दसूगा कि किस तरह उस करनी नू करना, मस्तक दे विच अपने प्रीतम दा रस्ता लैना किवें और उस प्रीतम दे विच लीन कैसे होना है। कहंदे दी शरण लो जी। तन पिंजरा जे काल का, क्यों करें पराईयास। जिहड़ा पिंजरा तेनू मिले हुआ, ये काल ने दिता है तेनू। तीन पिंजरे ने, ये केड़े केड़े ने? जड़, चेतन ते सूक्ष्म। आ साडा जड़ है, ये अंदर सूक्ष्म है, जी सुपन अवस्था च असी देखते योजे हों कार्य करता, वो अंदर एक होर है। कहिंदी ये पिंजरा काल दा है, तू पराई आस च कड़ी तुरै फिरदा, अज तत खो लेना है। तेनू ये वखरा कर देना, जी आत्मा है तेरी ये वसनीक बनी बैठी, इतों वासी नहीं। जाना तो सचखंड सी, मगर इस पिंजरे तू ये समझ बैठी कि मैं इतें ही रहना परमानेंट। यू आर नॉट वेरी परमानेंट ऑफ दिस प्लेस ऑफ दिस बॉडी। इतों तो जाने ही सदा ले तेरा घर ये नहीं, इतों निकलेंगे तू होर जोनियों चला जाना। कहते तेरा ये काल के पिंजरे च फसी बैठी, ये तेरा निवास स्थान नहीं, तेरा स्थान सचखंड विच शीश महल तेरे उत्थे नहीं, उत्थे चल जे। दस इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में फांस। देख लो तुहाडे सामने दस इंद्री, इंद्री के भोग की ते पड़ी गले में फांस। पंज ज्ञान इंद्र ने ज्ञान करवाउंदी, कड़ियां अखां ज्ञान करवाउंदी, कन्न ज्ञान करवाउंदे, नासां ज्ञान ज्ञान करवाउंदी, मुंह चार पंजी त्वचा है। आ ये टच करके फील करके दस दिए भी आ गल, ये जरिए काम चेष्टा करता है। ये ज्ञान इंद्रिया ने, पंज कर्म इंद्रिया ने, ये तो ज्ञान देने वाली हैं, पंज ने, पंज ही कर्म करवाउंदिया ने। ये दस इंद्रियों च तू फसया पे, ये तेरे गल दे विच फांसी पई, जरा सोच समझ कि फांसी है ये आनंदमय कर्म तो तेरे लिए, जरा होश चा। झंझोड़े स्वामी जी महाराज ने, जरा अकल होश टिकाने कर, देख फांसी में तू समझदा है भी आनंदमय स्टेज है। नो, आओ वापस मेरी गल समझो और इस गल का ज्ञान धारण करके उस ट्रैक ते चलन की कोशिश करो जी। नौ द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक स्वास। शरीर के नौ दरवाजे नहीं तू बंधिया हुआ इस तरह कि एक पल भी तेनू चैन का सारी नंबर। देख ला ये तेरा जीवन है, एनालाइज करके दस देने तू इत सुखी है, तू इत सुख तो आनंद, तू सुपने मनु सुख आनंद भाव कर दें। मगर अगर रात निकल गई तेरी सुख दी तो सवेरे दुखी है, दिन निकल गया तो रात न सुखी है। तेन कोई ना कोई स्नेहा मिले रहा, फलाने था हो गया उत्थे चल, इतें नहीं तो घर, कदे बुखार चढ़ गया, कदे मलेरिया हो गया, कदे कुछ भी, तो फांसी तेन लगे रहनी जी। दसवीं खिड़की खोल री कर परम बिलास। दसवीं खिड़की खोल ली कर परम बिलास। दसवीं खिड़की कड़ी इत्थे अखां दे पिछले पासे थर्ड आई जिहड़ी ओह कहंदे ने, उहनूं खोल, उहदे अंदर जा के परम बिलास, उस मालक नाल जा के गल्लां कर। असी दिन रात नवा दरवाजे ते किरिया करते हैं, दसवीं खिड़की नहीं खोलन दे यतन नहीं करते, अगर बैठांगे सतगुरु दे बचन नूं पकड़ के ते खुल जाएगी एक दिन। गुरु महाराज दे अंदर जिकरे पांवीरी के पात पर दो बिन पेखे दोरायो, उस राख दे विच किन्ना पड़दा पंवीरी दे खंभ जाने, मगर तेरे लिए बजर कपाट है, वो तोड़ के तू जा नहीं सकता। इतना बारीक है कि एक जरा पेन लगे तो पार है, मगर तू जानता नहीं उस रस्ते तो खड़ता नहीं जाके। उसे होमे क्या होमे की पीत, कंध कढ़ी हुई परले पास वैसे वरले पास, यही पीत
इवी खिड़की इवी दरवाजा इन्हें तोड़ना है। संतान का वचन पकड़ के कहते आ उस दरवाजे ते चल उस रस्ते दे विच जाके उस पिया नाल अपने प्रेम दे वचन करके देख जी। सतगुर पूरे कह रहे तू मान बचन विश्वास, पूरा सतगुरु तेन कह रहा है तो विश्वास कर। जड़ी शुरू चल ने गल कही सतगुर का करो भरोसा फिर करो ना कुछ अफसोसा, अफसोस की लोड़ तेन रहनी नहीं, तू जरा भरोसा कर। वो दसवीं खिड़की आएगी तो शीश महल का रास्ता तेरे खुल जाएगा। राधा स्वामी नाम पाज होए करम सब नास, सजना चाहे सतनाम वाहिगुरु जप चाहे राधा स्वामी जप कहते वो नाम बा ओट लै आसरा लै उत्थे परम बलास तेरा होगा। अंदर जाके जो तो खिड़की खुलेगी शीश महलों के अंदर तेरा निवास हो जाएगा। इहदे च कोई कोई राधा स्वामी कहता है, कोई सतनाम वाहिगुरु कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई होर बड़ा अक्षर कहता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवा कहता, गल एक कोई आत्मा नूं मिलण दा मतलब है, होर फर्क अंतर कोई नहीं। ये बड़े तोपखाने ना उस गल नूं लै के इन्ने फायर करदा है जिहदा तुक कोई नहीं, कढ़न पाउण नूं कुछ नहीं। अगर मालक की प्राप्ति होंदी है तो जे महात्मा कहे तू इट इट का जाप कर वो तो तां भी मिल जाएगा। वो तो नाम ही है, किसी ने गुरदीप सिंह रख लिया, किसी ने प्रीत सिंह रख लिया, कि प्रीतम सिंह रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया। असी बच्चों के मन मर्जी के नाम धर दे, अगर उस महात्मा ने प्रेम दे विच आ के राधा स्वामी कह लिया तो बड़ा जुल्म कर दिता उन्हें, वो तो उन्हें जिमें चंगा लग्या उन्हें करता। तेन जोड़ा चंगा लगे तू महात्मा ने कंप्रोमाइज कर, तेन जोड़ा चंगा लगता कह भी महाराज जी मैंने तो आ दसो मैं आ करूँ, पर सुरत तो इतने जोड़ सुरत का मार्ग तो लै ला, अक्षर जोड़े मर्जी जप ली कोई फर्क नहीं पैन लगे। इन्हें क्यों समा आ जाए गुआन, राधा स्वामी किसी ने दुश्मनी तो नहीं कर रहा, जोड़ा यूनीवर्सल ड्रैक का जिक्र कर रहा है कि सुरत का निवास अंदर शीश महल के अंदर होना है। अक्सर असी सवाल मास्टर को सीखन जाने वो कहता है एम ए नहीं दसो भी ये बराबर कि रकम है, हूँ उत्थे होर कुछ नहीं। वो कहता तू फर्ज कर सौ, जे सौ तो इन्ना, तो जी एक हो तो किन्ना, तो जी इन्ना तो किन्ना, सवाल निकलिया फिर फर्ज करो तो उड़ गया बच्चों। ये तो अक्षर उस यूनीवर्सल ट्रैक पर तुरन तक रस्ता है। जब सिमरन की स्टेज खत्म हो जाएगी तुम इतने आ जाओगे फिर सिमरन खत्म हो जाएगा, फिर कि तुनात्मक सफर थोड़ा रह जाएगा। सुरत नहीं उस तुन नहीं पकड़ के अगे तुरने, जेडे अक्षर से तो खत्म हो गए तो चलने नहीं, फिर उस की फर्क पाएगा। सतनाम वाहिगुरु कहेगा तब की मसला तो इतने आने का जिन्हें मर्जी आ जाओ जी। राधा स्वामी नाम पाज होए करम सब नास, राधा स्वामी नाम पाज होए करम सब नास। गुरुदेव का अंग गुर को कीजे दंडवंत, दंडवंत कोट कोट परनाम, कीट न जाने प्रेग को वै कर ले आप समान। कई कई बारी ले मैन जोड़ा वह कहता राधा स्वामी की बाणी सुनाई जाते सामने, खरे एक दिन लै जाएंगे सानू अगवाई कर लेंगे, नहीं एक कबीर साहब की बाणी लैन लगे जी गुरु ग्रंथ साहब के विच भी चढ़ी गई। फिर लो
फिर लो। गुर को कीजे दंडवंत, कोट कोट परनाम, कीट न जाने प्रिंग को, वह कर ले आप समान। महान कबीर साहब दी बाणी की कहंदे ने, गुरु नूं दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम हुंदा लम्मे पैके पथ, जिन्ने लम्मे जा सकदे उन्नियां दे जरिए लम्मे पैके नमस्कार करना, ये दंडवत प्रणाम है। कहंदे उहनूं दंडवत प्रणाम करो, कोट कोट प्रणाम करो, करोड़ा करोड़ा प्रणाम। फिर कहंदे इहनूं पता नहीं, कीट न जाने भिंग को वो कर ले आप समान। मैं बेनती की थी कि पारस में और संत में बड़ा अंतर आ जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। इस करके उन्हें करोड़ों प्रणाम है, क्योंकि मिसाल दंदे नहीं, कीट न जाने पिंग को पेंगी, एक छोटा जा पूंड है पीले रंग का, जिस तरह पीले पूंडा ना छत्या इस तरह पिरंगी है, वह बचाले पतली जी हों जमे तीले वर्ग होंगे, वो की करती है, वो शब्द करती है, मूंह दे विच आवाज कढ़दी है, लगातार एक आवाज कढ़दी है, वो एक खम्भा वाला कीड़ा है, उन्हें पकड़ती है, उड़ी फिरती है, किसी कीड़े ने पकड़ लेंदी, पकड़ के उन्हें वहां दे मूंह च ले जाती। वो ले जान तो पहले कंधा पर किसी होर थान पर एक घर बना, मिट्टी लिया, चिकनी मिट्टी लिया ला के उत्थे ला, एडा घर बना, उहदे च सुराख करती, एक रखती सुराख अंदर वड़न, बाहर मिट्टी ना बना, कीड़े लिया के सुराख च पा दें फटके, उत्तों उन्हें शब्द सुना, जित कीड़ा शब्द न समझ गया फिर तो पिरंगी बन जाता, जो नहीं उसकी आवाज पकड़ता तो मिट्टी लिया घर का मूँह बंद कर दी, कीड़ा बिच मर जाता। कहते कीड़ा समझ नहीं रहा भी पिरंगी मैनू अपने समान करने लिए सब कुछ कर दी, शब्द सुना रही मैं, अगर नहीं सुनेगा तो मरेगा। वो समझदा नहीं भी मैनू आपका रूप लगी दे, वो शब्द के जरिए सतगुरु अपना रूप बना चाहता है, मगर यह बनता नहीं। इस करके गुरु ने कहते करोड़ों ही दंडवत प्रणाम ने, अकबीर साहब कह रहे आराधा स्वामी नहीं कह रहे, गल एक ही है, अक्षर हेर फेर है। सो एक जग्यासु की सैटिस्फैक्शन वास्ते बाणी ला रहे जे जगत जनायो जे शकल सो गुर पर गटियाए, जिन गुर आंख न देखिया सो गुर दिया लिखाए। जेड़ी गल अख ना वेखन च नजर नहीं आई, कहंदे वो गुरु ने अंदर अलख गम दा रस्ता विखा के शीश महलां दे विच विखाता। ये गुरु देश विच क्वालिटी है, वो सुनाउंदा अपने घर की खबर दिंदा कि सचखंड तो तू आया, तू सतगुर तो मार्ग लै, चल अपने घर नूं। कहंदे वो रस्ता विखाता जिहदी कदे दे सुपने च भी कदे इहदियां कुलां च भी नहीं समझ आई सी किसे नूं, कहंदे वो रस्ता दे रहा वो, इस करके उहनूं करोड़ां प्रणाम ने जी। सतगुर सम को है सगा, साधु सम को दात, हर समान को हित है, हर जन सम को जात। साधु जेड़ा अंदर हरि नूं लखांदा है, उहदे जिहा भी कोई नहीं, हरि जिहा भी कोई नहीं, क्योंकि साधु दे जरिए हरि नूं मिलना उहदी एक क्वालिटी है, क्योंकि वह अगमी चीज जिहड़ी वेखण च नहीं आई, जिहदे बारे कदे सुनिया भी, उहदी संघ दे विच वह चीज प्राप्त होगी। इस करके महान है, इस करके उन्हें करोड़ों पर नमस्कार है जी। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अक्यारिया, अनंत दिखावन हार। कहिंदे उहदी महिमा अनंत है, जिस प्रति गुरु ग्रंथ साहब च है भी वो बंदर वाला है, जिहदी 1000 अख आखे कहिंदे उह विखाता उहने, वो ऐसी करने का मालिक है। स्वामी जी महाराज ने भी ही कहा भी मेरी जीभ दे विच वो अक्षर नहीं जिन्हां जरिए उहदा
क्वालिटी मैं दस सका वो बेअंत है, इस करके अनंत गुणा का मालिक है जी। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुन और देव, कहें कबीर सुन साधवा कर सतगुर की सेव। कहते जिन्हों ब्रह्मा ते इने हो ऋषि मुनि खोजते मर गए, उस साधु की सेवा कर तू, कहते तेन बखालना उन्होंने पता ही लग्या। लख बर्मा बिशन महेश बिओन उन्हें पता नहीं कर सके, उस साधु दी संगत दे जरिए जब तेन उपदेश मिले उस कारण की तू तुरिया चट ही तेरे अंदर प्राप्त करा देगा जी। कबीर गुर गुरुआ मिला रल गया आटे लोन, जात पात कुल मिट गया नाम तरेगा कौन। गुरु जिस वक्त आपके सिख नु मिलिया की कर दता, जिस तरह आटे च लून मिल जाता इस तरह की अवस्था बन गई। हुण उहदी जात पात कौन दसेगा भी ये लून आटा है कि अड लून है कि आटा है। जिस तरह मिश्री ते पानी है दोनों का ना जल मिश्री है, जो मिलाता उहदा ना शरबत हो गया, कहिंदे इहदा ना कौन तरे भी की हो गया। इस साधु की गति है, उन्हें उस गति ते चुक किया जी। ज्ञान पर गासी गुर मिला सो जन बिसर न जाए, जब साहेब कृपा करी तब गुर मिल आए। ये हुण उहदी दया कृपा की गल ना, जदों तो मालिक की दया हुई साधु मिलिया और उहदी दया दे जरिए उहदे नाल मिलाप करता, ये गुरु की क्वालिटी जी। गुर साहेब कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवंत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। क्योंकि गुरु दे जरिए वो मालिक मिले, कहिंदे तां ते इस गल दा जो रिजल्ट है उहनूं करोड़ां दंडवत प्रणाम है। जदों गुरु मिलिया भगत मालिक मिलिया जी। गुर को सिर पर राखिए चलिए आगे आमाहे, कहे कबीर ता दास को तीन लोक डरना है जी। गुर गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु दी एक क्वालिटी है, दोनों खड़े हैं, गोविंद भी है गुरु भी है, कहने के दे पैर पकड़िए। गोविंद से गुरु हैं बड़े जिन रास्ता दिया दिया दिखाए, इस करके गुरु ने प्रणाम है। क्योंकि वो तो गुप्त से ऐनी प्रकट करके दस देता, इस करके मेरी नमस्कार गुरु नहीं है जी। लाख कोस जो गुरु बसे दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी इस बार होए पल पल आवे जाए। भी जे गुरु बनारस बसता है सिख समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जय गुण हुए शरीर। कहिंदे शब्द दी डोर दे जरिए की हुंदा है वो फिर टैलीपैथी होनी शुरू हो जाती है। ये तो ध्यान करदा उहदा उत्थे उस स्क्रीन दे उत्ते रिजल्ट आना शुरू हो जाता, जवाब आ जाता है, झट ही पता लग जाता भी महाराज जी मैं फलाने समय कहिंदे भाई तू बड़ा याद किया इस करके तेनों सुपन अवस्था दे विच तैनूं दसदा भी ये गल आई जी। जो गुर बसे बनारसी सिस समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जे गुण होए शरीर जी। सब तरती कागज करूं ले जी।
बलहारी गुर अपने काड़ काड़ सो सो बार मानुष ते देवत किए करत न लागी बार। कंदे उस गुरु तो मैं बलहारी जिन्हें मनुष्य तो देवते करते जिस देही को सिमरे देव सो देही बजहर की सेव मनुष्य तो देवते करते। कहते ओदी कीमत तन की दसी और बनाते चिर नहीं लग गया नजर पई और बन गया इदी सो तंदर चिमट गई उथे वो नूरी स्वरूप का दर्शन होया और समाधि की अवस्था च चली गई दी आत्मा जी। बूढ़ा था पर उबरा गुर की लहर चमाक बेड़ा देखा चांजरा उतर भया फराक। देखा चलो इन डुबते नु देखता एक छिन्न इतनी देर च कंदे आ गया देर नहीं लाऊंगा यदि सुरत ने जो भी आवाज अंदर दुखी होकर दुखी चटी आ गया देर नहीं लगती कोई जी। पहले दाता शिश भया जिन तन मन अर पासीस पाशे दाता गुर भये जिन नाम दिया बख्शीस। प्रमाणे नहीं कि पहला दाता सिख बनया क्योंकि वो कहने तन मन तन मैनु दे इन्हें अर्पण करता इस करके पहले दाता सिख है उस तो बाद गुरु दाता है जिन्हें नाम किया बख्शीश। कहता है कड रतन देवे प्रकाश वो कहता आ रतन चक तेरे वास्ते रखी बैठा है की करना है तू जरा संकल्प लिया तेरे तन मन दी धन की मनु जरूरत नहीं गुर नहीं भूखा तेरे तन का उन पे तन है भक्ति नाम का वो तेरा उपकार कराने भूखे प्यासे को दलवाने। भाई भंडारा है सजना सब दाई है जे तू कोई संगत वास्ते तिल फुल अर्पण करेगा दिंदा दे लेंदा थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए तेरे वास्ते है उद को नाम तन है का तेनू उद तेरे तेरे पैसे की जरूरत नहीं जी। सात नाम के पट तरे देवे को कशु ना है क्या ले गुरु संतोषिये हफस रही मन माए। इंदुमती रानी ने यह कहा ना कि तू तो कहता रहा तू सतपुरुष में जाके मिल ला उत्थे अंदर तेरे उत्थे तो तू ही बैठा है मैं दसता दंदा कि मैं ही उत्थे हैं मैं तेरी कुछ सेवा कर दिया कह दे ये कहने सतनाम वास्ते देन में पले कुछ नहीं हूँ किस गल ना सतगुरु ने संतोख दे क्योंकि देन में कुछ है नहीं जिसकी वस्तते सागे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल। ओदे दिते हुए ओदे मूरे रखदा उन्हें की करना वो चौली च मोड़ के तांदा लै मेरा करके बरती जा मेरे ही मैनू पहुंच गया तू फिक्र कोई कर नहीं ठीक। मन दिया तिन सब दिया मन की लार शरीर अब देवे को कुछ नहीं जो कह दास कबीर। कहते जिन्हें मन अर्पण करता उन्हें सब कुछ देता मन दे पीछे शरीर भी चला गया कहते ये तू मगर की रह गया सब कुछ ही अर्पण करके मन तो दिता नहीं जाता ये कहता सच्चा पातशाह तेरा ही है मगर जबानी कहता जो कहता चंगा उत्थे आ गल है उत्थे फेल हो जाता उठता ही नहीं जाता ही नहीं ठीक। तन मन दिया तो पला किया सिर का जासी पार कबहू कहे के मैं दिया कनी सहेगा मार। तन मन दे तो ते बड़ा चंगा किया सिर दा पार उतर गया कते कह बैठे भी मैं ही सब कुछ दिता कहंदे कनी सहेगा मार भी मैं आप कुछ दिया कहंदे भी मार ना खा ली उदा ही सी तेरा तो कुछ है ही नहीं सी तेरा तुझके सौंपते क्या लागे मोरा मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा जी। तन मन ताको दीजिए जाके बिशिया ना है आपा सब ही डार के राखे सहब माहे जी।
तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। कहे कबीर ता दास से कैसे मन पत्याए। तन मन दिया अपना निज मन ता के संग, कहे कबीर निर्भय भया सुन सुन सतगुर प्रसंग। निज मन तो नीचा किया चरण कमल की ठोर, कहे कबीर गुरुदेव बिन नजर न आवे और। करुण दीन ती दो कर जोड़ी, अर्ज सुन राधा स्वामी मोरी। सतपुर तुम सतगुरु सब जीवन के पिता और माता, दया धारण अपना कर लीजे। काल जाल से न्यारा कीजे, सतयुग प्रकट करके सब तुपकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, पौसागर से पार गाए। तीन जोड़ चौथा पद गुरु का तीना, जगमग जात जिया, गगन सोत पर चंद्र निहार। सेत सिंहासन चतुर बुराजे, विनती करे जहाँ दास तुम लोक लोक पाऊ। चरण शरण दीजे बिसरा, करूं बेनती दौ कर जो अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। राधा स्वामी जगाना।